हे गाइस, क्या हाल? होप सो बढ़िया और मैं मस्त हूँ। तो आज की वीडियो भी कैंपिंग की होने वाली है, लेकिन आज मेरे पास कैंप नहीं है। तो भाई साहब, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत अलग ही लेवल की एडवेंचर होने वाली है। तो देखो, बने रहना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कॉमेंट और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। बिना कैंप के आज मैं नाइट स्टे करूँगा इन पहाड़ों पर। तो चलो, ओ भाई साहब, तो जो लोकेशन मैंने देखी थी वो इस जगह पे, इसके नीचे यहाँ पे जाना लगता पहुँच गया। ज़्यादा दूर भी नहीं था, वीडियो मैंने आधे रास्ते से शुरू करी थी तो इस वजह से मैं जल्दी पहुँच गया। तो गाइस, थोड़ी यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, इन्हें हटानी पड़ेगी। वैसे रास्ता ना ऊपर से भी था, एक ना ऊपर से यहाँ से जाके देखता हूँ मैं, तो मेरे को यहाँ से आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस रास्ते से मैं आ रहा था और अब मैं ऊपर आ गया। अब यहाँ से जाना नीचे, और यहाँ से ट्राई करके देखते हैं। तो ऐसे कुछ गुफा ही है। एक तो मेरे जूते फिसल रहे हैं बहुत तगड़े। तो गाइस, ओ भाई साहब, यहाँ से जाने में बहुत रिस्की भरा हो रहा है। यार कैसे पहुँचे समझ नहीं आ रहा है। बड़ा रिस्की भरा काम है यार, खतरनाक। सही है यार, तो कुछ ये लोकेशन है। अरे यार, ये देखो, ये थोड़ा सा साफ करना है। यहाँ ऊपर मैं अपनी बरसाती टाइप की बिछा दूंगा और मस्त ढंग से यहाँ पर रहेंगे। यहाँ तो भाई बहुत मस्त है। तो सबसे पहले इन झाड़ियों को, कांटे वाली झाड़ी को हटाना पड़ेगा, फिर अंदर जाने का रास्ता बन पाएगा। तो पहले इन्हें साफ करते हैं। तो गाइस, इतनी मैंने साफ कर दी है, ये सारा इतनी झाड़ियाँ थी है। ये देखो, कुछ ऐसी गुफा है अंदर से, या मैंने मैट बिछेगी और ऊपर से वो डाल दूँगा बरसाती वगैरह मस्त ढंग से। छोटी मोटी झाड़ियाँ हटानी पड़ेगी यार। साफ सफाई कर दी यहाँ पे, जितनी झाड़ियाँ थी सब क्लियर कर दिया। कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे मैट बिछेगी और ऊपर से ना ये साइड से मैं ना, ये मेरे पास तिरपाल है, ऊपर खड़ा कर दूँ, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लग गई है बारिश की। तो कट वट गया यहाँ पे, खतरनाक भाई साहब, फर्स्ट एक्सपीरियंस भाई इस गुफा में कैंप वाली। मैं अंदर से मतलब एक्साइटेड हूँ कि भाई मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा। तो चलो पहले अपना बंदोबस्त करते हैं। बारिश होने लग गई है तो यहाँ पे अपना बरसाती, ऊपर से बरसात लगा देता हूँ घर से, ताकि बिना बांधे अंदर तक ना आए।
पास ढंग से नजदीक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से हो गया सिस्टम। ओ भाई साहब मजा आ गया। भाई अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट हो रही है। हाँ मस्त ढंग से। तो सबसे पहले इस मैट को निकालता हूँ, इसे बिछाता हूँ यहाँ पर। तो गाइज बारिश स्टार्ट हो गई है, आवाज़ आ रही होगी आपको। तो अभी पहले आग जलाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज बाहर तो बारिश होने लग गई है और आग जलाने के लिए मस्त जला है। सावधानी पूर्वक इस वहां पे जगह जहां मेरा कैमरा करना वहां बहुत जगह है, यहाँ पे घूमना पड़ रहा पूरा। आग भी जल चुकी है। होए 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 गजब भाई, बाहर बारिश अंदर आग, पाके अंदर अलग ही लेवल का खतरनाक सीन है भाई। वाइब है, वाइब आ रही है। तो गाइस अपनी आग देखो हल्की हल्की जल रही है, धुआं हो रहा है अंदर और बाहर बारिश खतरनाक। तो गाइस ऊपर वाली बारिश लग रही है और यहाँ पे भी अभी हल्की बूंदाबांदी लग रही थी, अब रुक गई है मस्त ढंग से। यहाँ देखो चिमनी का काम कर रहा मस्त ढंग से। यहाँ तो थोड़ा गैप है ना, तो वहाँ से चिमनी का कैप काम कर रहा वो। बारिश हल्की फल्की लगी रही है अभी। ओ भाई साहब मोटर ढंग से आग चल गई है फिर से एक बारी। हाय बताए मैं अपनी कमर सीधे कर रहा हूँ। अब इसके बाद एक चाय बनाते हैं मोटर ढंग से। तो कुछ ऐसा सिस्टम है और ऊपर से ये है। तो गाइस मैंने यहाँ पे मैट बिछाई और मेरे को यहाँ पे क्या मिला, ये देखो मुर्गी के अंडे देख रहे हो, अंडे रखे हुए यहाँ पे मुर्गी ने। तो ये अंडे जो हमें गुफा के अंदर मिले थे इस अंडों को हम इसमें डाल रहे हैं।
तो गाइस अपनी चाय भी रेडी हो चुकी है मस्त ढंग से। चाय भाई, बाहर बारिश हो रही है और अंदर चाय चल रही है। तो गाइस भूख लगने लग गई है। बारिश में एक सिस्टम होता है कि भूख लगने लग जाते हैं जल्दी। तो बंदे दो बंद ला रखे हैं, रात को भी यही चलेगा और अभी भी यही। ये बहुत हैवी हो जाता है यार। वाह, मजा आ गया।